लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जंगल की ठंड को तुम सह नहीं पाओगे, ठंड में हड्डियां अकड़ जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ? 1980 के जुलाई 23 को ईरान और इराक का युद्ध शुरू होने से पहले हमारे ही जंगल नल्लमल्ला में अंदरूनी युद्ध चल रहा था। आमतौर पर हर साल आने वाले पक्षी ऋतु के आते ही आ जाते हैं और वातावरण बदल देते हैं, लेकिन इस साल आए हुए पक्षी वातावरण को बदलने नहीं, परिस्थिति को बदलने आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज मत कर रानी। अगर आवाज नहीं करूंगी तो मजा कैसे आएगा? बोलो, आवाज से निकल आती है। दूसरों को तेरी आवाज से मजा आता होगा, पर मेरा तो ध्यान भटक जाता है। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अरे साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। ले। वो वापस आ गया। छोड़, जाओ। मैं बाद में आता हूँ। अभी, अभी। साहब जी, अरे रेड्डी, तू तो बांसुरी बजा रहा था, कहीं बीच में आके मैंने तेरी पुंगी तो नहीं बजा दी? ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, मैं तो अपने मन की आवाज को शांत करना चाह रहा था। हे, शांति से नहीं रख सकता क्या? अब इससे ज्यादा शांति की उम्मीद क्या रख रहा है तू? इस जंगल में अगर मुझे कुछ सुनाई दिया तो तू कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। ठीक है साहब जी। वैसे तू चमड़ा कैसे बाहर निकालेगा? मेरे पास आदमी है साहब जी, नाम है नल्लामला। समझ लो कि वो इस नल्लामला जंगल का ही बेटा है। Oh,
हेलो मल्ला, रेड्डी सर ने खबर भिजवाई है, वो डीएफओ आया है। चल दादा, आप अभी तक गंगा को याद करते हैं? आखिर कब तक उसका शोक मनाएंगे? जिसको जाना था वो चला गया, जिंदा होती तो लौट आती ना। देखिए दादा, गंगा को भूल जाइए। एजोन भैया, दादा का ध्यान रखना। ठीक है, चलता हूं दादा। आओ नल्ला मला, आओ आओ, तेरे आते ही यहाँ का वातावरण बदल जाता है। वातावरण की बात करकर टाइम पास मत करो, इसका दिमाग सटका तो तेरे आधे आदमी ऊपर पहुँच जाएंगे। बराबर है, बराबर है। काई को बुलाया मेरे को? वो क्या है ना नल्ला मला, तेरे वास्ते एक काम है। जैसे रामायण में हनुमान जी थे ना, वैसे ही तू इस पूरे जंगल का इकलौता हीरो है। जैसे हनुमान जी लंका जलाकर बाहर आ गए थे, वैसे ही तू हमारे सामान बाहर निकाल जंगल से। हाँ। मेरी दादी कहा करती थी, मतलब ही आदमी दुनिया में बहुत नीचे गिरता है। सही बोली थी वो। हे, तू अपनी जुबान पे लगाम लगा। नल्ला मला, वो अपना माल है ना? नहीं होएगा। क्यों नल्ला मला? क्यों क्या, आज रात को भाई की सुहागरात है। ए नल्ला मला, तेरी शादी हो गई क्या? सुहागरात मनाने वास्ते शादी करना जरूरी है क्या? हाँ, सुहागरात अपुन की नहीं है, भाई की है। ओह, मतलब तू उसके सुहाग की सेज सजाएगा। कर ले कर ले, लेकिन हमारे माल को नहीं होएगा। क्यों? अब उनके भाई से बढ़ गए ना तू है ना कोई और, समझा क्या? तो अपना माल लेके खुद जंगल से निकल ले। ऐसी बात नहीं है नल्ला मला, मैं तेरा इंतजार करूंगा। बिल्कुल सही बात की ना तुमने। अरे चुप ले, क्या विलायती दारू है? सोडा है क्या? चल बे। हाँ तो नाश्ते में कौन चिकन खाता है बे? उसे भी क्या मांग रहा है तू? इस पूरे जंगल में कोई और आदमी नहीं है जो अपना माल बाहर निकाल सके। माल को जंगल से बाहर निकालने के लिए कोई आदमी नहीं, जानवर चाहिए। और इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर वही है। ऐसा किया, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये जानवर मेरे अंदर का जानवर देखेगा। रुको रे, ए, रुको। ये क्या है? आज अपुन के भाई की शादी है, ऐसी डफली बजा कि अप्सरा भी नाचने लगे। चल जोर से बजा, जोर से। भाई का भाई किस्मत लेकर आया है। काई को रे? भाई की सुहागरात के लिए भाई ने बैंड बाजा बुलवाया है पूरी बारात के साथ। क्या रे, अपुन का मजाक उड़ाता है? एक लात मारूंगा ना तो सात गांव दूर जाके गिरेगा। अरे गुस्सा क्यों करते हो, इसके बाद सेम कार्यक्रम मैं करने जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा अपना असली पावर। लड़की कौन है बे? अपने गाँव में रहने वाली यमुना। यमुना? पूरे जंगल में तुझे वही सी लड़की मिली थी क्या? उसकी शादी हो गई थी फिर उसका आदमी भी टपक गया। मतलब अनुभवी है, मजा आएगा। ए, अगर तू फिर से अपुन के साथ ऐसी बात किया ना तो भाई सुहागरात के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा, इधर ही तेरे साथ सुहागरात मनाएगा। जाने दे, बजाओ रे। क्या बात है नल्ला मल्ला, एक बार सूरज अपने टाइम पर आना भूल सकता है लेकिन तू नहीं भूल सकता। ऐसा कुछ नहीं है मामा, अपुन अपने काम को बहुत श्रद्धा के साथ करता है। अच्छा, अपनी लक्ष्मी किधर है? वो देखो अंदर है। नारियल किधर है मामा? नारियल ये रहा। हे देवी माँ,
अपुन के भाई को एकदम स्वस्थ बछड़ा देना। ये देखो दिन तो इनके अच्छे हैं। ए अपु, काम हो गया क्या? हाँ हो गया, आ रहा हूं। आदमी की जैसे इस जानवर को नहला रहा है। ए, क्या बात करता है, जानवर है तो क्या जान नहीं है? अपन तो सारे जानवर को जान से भी ज्यादा चाहता है। लेकिन ये जानवर नहीं है, अपुन का भाई है। ए, और ये तब तक शादी नहीं करेगा जब तक अपने भाई की शादी नहीं कर देगा। हाँ। इस पूरे गांव में ये बैल ही इसका भाई है। बस ठीक है, पहले इसके लिए दुल्हन ढूंढो, उसके बाद ये घोड़ी पर चढ़ जाएगा। ए वना, और कितनी देर पानी में रहेगी? चल बाहर निकल। जंगल काट देंगे तो सांस कैसे लेंगे? हाँ hey, मुझे पीने के लिए दारू मिल गई, बस हो गया। सांस के लिए हवा किसको चाहिए? चल जा यहाँ से, जा जा। पहले नहीं दे सकता था क्या? चल रहे बाबा। ए वना, चल कपड़े निचोड़ दे, आ। कपड़ों को निचोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको है। किसको रे, किसको गाली दे रही है? और किसको? उस नल्ला माला को। क्या हुआ, क्या किया उसने? जंगल के बीच में रेड्डी सेठ के आदमी पेड़ काट रहे थे, मैं उनको वहाँ रोकने के लिए गई, तो हीरो की तरह आके वो उन्हें मारने लगा। मुझे लगा अच्छा आदमी है। बाहर से थोड़ा टेढ़ा आदमी है पर मन से अच्छा है रे। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन वो वहाँ पर उनसे रिश्वत लेने के लिए आया था। उसके मुँह से लाल टपक रही थी। अब सिर्फ 50 रुपए देख के पैसे मिलते ही उनको वहीं पर छोड़ के निकल गया। अब वो भी तो रेड्डी सेठ के यहाँ काम करता है ना, तो वो क्या कर सकता है? छी छी, ये कैसा काम है, कुछ पैसों के लिए पेड़ और जानवरों की जान लेना? वो उसका काम है। तुम उसकी कितनी भी वकालत कर लो पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुन वनमाली, उसके नाद में मत लग, गुस्से में वो खुले सांड जैसा है। खुले सांड के नाक में डोरी मुझे भी डालनी आती है। कोई तो होगा जो उसका घमंड तोड़ देगा।